क्या वो 25 एमएलए कामयाब हुए हैं जम्मू के लोगों का दिल जीतने में या लोगों के हक में आवाज उठाने में? कामयाब हुए होते तो सरकार 6 साल चलती, और क्या कहूँ। तो पीडीपी के साथ गठबंधन था, इस वजह से हुआ। वट एवर इट इज, आप एक एमएलए भी, हमारे पहले साथ ही एमएलए थे बेचारे, तो वो भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पूरे इंडिया में सरकारें देखिए, कई बार एक्सट्रीम अपोजिट आइडियोलॉजीज की सरकारें भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अदिति शर्मा जी से, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर हैं। बात करेंगे इनसे, करंट सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर यूटी की बनी हुई है उस सब पे सर चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू मैम। किस तरह के हालात अभी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के? जी हालात तो ठीक ही हैं, ऐसी बात नहीं है हालात को क्या हुआ, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार को कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और जो लोगों की आवाज़ है उसको सुनना पड़ेगा, दैट्स इट। सरकार भी तो सेंटर में आपकी है। जी हाँ बिल्कुल, हमारी है, और अपनी सरकार से मांग सकते हैं, दूसरों की सरकार से मांग के क्या कोई कौन देता है, तो इसलिए तो हम अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं जो भी लोगों की बात है। आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं? कमियां नहीं, मतलब देखो हर कोई अपने तरीके से पॉलिसीज बनाता है और उसके बाद में अगर वो जनता को पसंद नहीं आती, इट्स अबाउट डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो अगर लोगों को कोई उसमें परेशानी है तो वो ज़रूर बोलेंगे और उसके ऊपर ज़रूर सरकार वैसा ही फैसला लेती है, क्यों नहीं लगी उसमें। बहुत अच्छी बात बोली आपने, आप जिस पार्टी में रहते हैं उसके अगेंस्ट भी आप बात करने, इट्स अबाउट पक्ष जनता का, जनता के पक्ष में बोलती हूँ, इट्स नॉट अबाउट किसी भी पार्टी का, पार्टी के अगेंस्ट बोलने का कोई फायदा नहीं होता, उसको अगेंस्ट क्यों बोलना है। चलिए जनता के पक्ष में बोलने का आप कम से कम साहस रखती हैं। तो मैम जिस तरह से डोमिसाइल लॉ लाया गया था उसके बारे में आपका क्या विचार है? डोमिसाइल एक्ट तो लाना ही अच्छा था, क्योंकि अगर 370 हटाया गया था तो दैट मीन्स कि हम चाहते थे कि बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, तो दैट वॉज वेरी गुड, मोटिव बहुत अच्छा था। सेकेंडली डोमिसाइल एक्ट इसलिए लाया गया ताकि कोई जो लोग यहाँ के हैं उनको उनका अधिकार मिले और जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आकर उनकी नौकरियाँ या ज़मीनें मतलब इस तरीके से आराम से ना ले पाए, तो फॉर दैट रीज़न डोमिसाइल एक्ट को यहाँ पर लाया गया, लागू किया गया। एंड लेकिन उसमें कुछ क्लॉज हैं, जैसे कि 15 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 15 साल कुछ भी नहीं होते, तो कुछ जो लोग इतने सालों से यहाँ पर इस 370 को झेल रहे हैं, मिलिटेंसी को झेल रहे हैं और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, माइग्रेंट्स हैं, उसकी वजह से जम्मू के लोगों का अधिकार जो है वो छीना गया था, तो इस वजह से अगर हम ये जो 15 साल से भी ये जो लोग यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे अब लेबर्स की बात करें, कुछ भी किसी की भी बात करें, तो मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए जम्मू कश्मीर के लोगों के, तो मुझे लगता है कि वो एक छोटी सी चीज़ है जो मतलब थोड़ी सी लोगों को पसंद नहीं आ रही, उसमें नाराज़गी है, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशंस लानी चाहिए। आपको ऐसा भी लगता है कि जम्मू कश्मीर यूनिट जो है, भाजपा यूनिट जो जम्मू कश्मीर में है, वो आम जनता की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं सेंटर तक पहुँचाने में विफल साबित हुई है? देखो ऐसा नहीं है, कोई हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। अब अगर जनता को ये आज लग रहा है कि इस चीज़ में मतलब जैसे कुछ भी जो भी इश्यूज़ हैं आप जानते ही हैं, बर्निंग इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो जनता अपनी आवाज़ उठा रही है, बोल रही है, अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया से ही जाहिर कर रही है, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से लोग प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते, तो जिस भी तरीके से लोग अपनी बात पहुँचा सकते हैं वो पहुँचा रहे हैं, और अब आगे लीडरशिप का काम है कि हम वहाँ तक सही फीडबैक पहुँचाए, ताकि जो सही मायने में जिसको जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उन्हें मिल सके लोगों को। विफल हुई है मतलब अगर नहीं हो पा रहा, लोग नाराज़ हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी ज़रूर। बार बार इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बार बार उन एक्ट्स का, उन चीज़ों का अपोज करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विफल तो हो ही रही है। देखो विफल क्या होता है, हमें कोशिश करते रहना होता है, अगर कोई कमी होती है तो इट्स नॉट अबाउट, कोई परमानेंट कमी नहीं होती है, उसे ठीक करते रहना होता है, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, अपनी गलतियां इंसान तभी सुधार सकता है जब वो मानेगा पहले। अब मैं मानती नहीं कि मैंने ये बात गलत किया है तो फिर मैं उसको सुधारूंगी कैसे, तो हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि हमने कुछ गलत किया है तो तभी वो सुधार पाएंगे हम। डोमिसाइल में जो ये 15 साल का, 7 साल का जो एक ये क्लॉज रखा गया है, आप चाहते हैं कि इसमें जो है अमेंडमेंट की जानी चाहिए?
मुझे लगता है कि इसमें अगर हो सके पॉसिबल तो इसमें कोशिश होनी चाहिए कि ये हो, क्योंकि लोगों की इसके ऊपर भी थोड़ी नाराज़गी है। पर मैं देखो, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत एक डिस्टर्ब स्टेट है, इंडिया का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट यही है। पूरे वर्ल्ड में एक जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुद्दा है बहुत बड़ा, और पूरी दुनिया इसको एक डिस्टर्ब जगह मानती है। तो मुझे लगता है इसके लिए स्पेशल क्लॉज होने चाहिए, स्पेशल हर चीज़ होनी चाहिए कि मतलब इतने सालों से हमारा जम्मू कश्मीर जिन चीज़ों से डिप्राइव्ड है, जिन अधिकारों से डिप्राइव्ड है, तो उनके लिए हम कॉम्पिटिटर्स बढ़ा रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें सहूलियत देने की। आज इतनी देर बाद अगर 370 हटा है और हम उनमें पॉजिटिव चीज़ें अगर देख रहे हैं उसमें, तो लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, ना कि हम उनके सामने और कॉम्पिटिटर्स लाकर खड़ा करें। बिल्कुल मैम। तो मैम, जब से स्टेट को जो है JKUT में तब्दील किया गया है, दावे ये किए गए थे कि डेवलपमेंट होगी और भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म किया जाएगा और आम लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, तो क्या कोई ऐसा कुछ देख रहे हैं आप, हो रहा है? नहीं बिल्कुल, वो तो होगा ही, अगर 370 अभी तक हुआ नहीं है। देखो, वो धीरे धीरे होगा, उसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी 370 हटा था, उसके बाद में उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एक आपने स्टेट से यूटी बना दी, उसके बाद में कई चीज़ें ऐसी, कई फॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद में आप देखते हैं कि कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो इनफैक्ट इस लॉकडाउन के दौरान भी कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं, मुझे लगता है कि उनको अभी स्टेग्नेट करके रखना चाहिए था, अभी नहीं होना चाहिए था। और आज भी अगर हम कोई फैसला लेते हैं तो लोगों का वो देखना चाहिए, क्योंकि ये जो COVID-19 है इसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहेगा। अभी मुझे लगता है कि उनको स्टैंड होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, जो लोगों के लॉसेज हुए हैं। बिल्कुल। तो जो मोटिव था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आए, लोगों का रोज़गार बढ़े, तो दैट इज़ ओके, उसके लिए मैं बिल्कुल उनकी सराहना करती हूँ इस फैसले से, और ये होगा भी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा वक्त दें। अभी तो कुछ देर हुई है 370 को हटे हुए, और उसके ऊपर ज़रूर काम हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह हर चीज़ की बात चल रही थी, ये बस COVID-19 की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है बहुत कुछ। बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो जम्मू में आए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जब अधिकार की बात आती है तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जो शायद हमारी कमी है। जब बात मोदी जी की जाए तो उनकी पॉलिसीज़ में कोई कमी नहीं है, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं उसमें कोई कमी नहीं है। कमी अगर कहीं आती है तो हमारी लोकल लीगल लीडरशिप की बात आती है, हमारी खुद की कमी है कि हम लोगों की आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे। दैट्स इट। बिल्कुल मैम। तो अगर हम बात करें मतलब 370 और 35A की, जिस तरह से आपने बात की, तोड़ा गया, उससे जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, उसमें फ़ायदा ही होगा, 370 हटने से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी 35A में कि आप देखते हैं गेटवे था एक टेररिज्म के लिए, अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया में किसी को शादी करनी है तो उसका पाकिस्तान का, इंडिया का और जम्मू कश्मीर का, तीनों का सिटीजनशिप उसको मिल जाती है। तो दैट वे मतलब एक आराम से किसी को भी, आपने देखा होगा 2 साल पहले वहाँ पर एक घर जमाई था, उसने पूरी अपने वहाँ पर अंदर, वो मतलब उसको मारा गया था वहाँ पर, अंदर पूरी वो अपनी वो बना रहा था, मतलब शादी करके यहाँ पर आया और आराम से उसको सब कुछ मिल गया। ऑब्वियसली मतलब एक गेटवे था टेररिज्म, और वहाँ पर आराम से वो बैठकर अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा था क्या मतलब यही सब कुछ करने का। तो दैट वे एक उसके ऊपर भी चेक हुआ है। दूसरी बात ये है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी कंपनीज नहीं आती थी, एक तरह से अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम बनने वाला था ये, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ यंगस्टर्स होते थे बस वो यूनिवर्सिटीज़ के निकल कर सब लोग बाहर जाने की बात करते थे कि अब जम्मू में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर रहना किसने था। तो अगले 20-30 सालों में तो ये सिर्फ एक वृद्धाश्रम रह जाता, बच्चे सारे बाहर चले जाते, कोई कहीं पढ़ने जा रहा है कोई कहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो सब कुछ सरकार नहीं, सरकारी नौकरियाँ कितनी हो सकती हैं, कुछ परसेंट हो सकती है, तो बाकी लोगों ने भी काम करना है, और इस वजह से ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अभी के हालात के हिसाब से आप कैसे देखते हैं, मतलब ये हालात ठीक हैं अभी? नहीं, हालात को क्या हुआ, हालात इज़ ओके, हालात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग अभी थोड़ा सा नाराज़ हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा।
4G क्यों नहीं दिया जा रहा है फिर, यूथ के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया जा रहा है? हाँ, 4G के लिए मैं कहूँगी कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त है, क्योंकि कोविड में लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं जा पा रहे, बच्चे छोटे बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे, तो ऑनलाइन क्लासेस हो जाए और वो अपने घर में बैठ के पढ़े। इनफैक्ट कुछ लोग घर में बैठ के बिजनेस काम भी करना चाहते हैं, तो दैट वे 4G इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो रिस्टोर करना चाहिए अभी सरकार को। दिस इज़ हाई टाइम नाउ, इट्स नीड ऑफ द आवर, तो उसके ऊपर ज़रूर जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि लोगों की पढ़ाई बहुत सफ़र हो रही है। पूरा एक साल ऑलमोस्ट, मतलब ये साल ख़राब हो गया लोगों का, तो पढ़ाई एजुकेशन मतलब ये चीज़ें मतलब बड़ी मैटर करती हैं इसमें। मतलब थोड़ी सी गैप भी आ जाए तो लोग पुराना बच्चे भूल जाते हैं, तो उनको उसके साथ इंटैक्ट रखने के लिए 4G की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, अगर बात करें हम जिस तरह से टोल प्लाजाज पे टोल प्लाजाज लगाए जाते हैं, आपके BJP के जो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो रविंदर रैना जी हैं, उनका कहना था कि उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब उसको उखाड़ा भी गया था, लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है, अब क्या परेशानी आ रही है? देखिए, उन्होंने कहा है उखाड़ के फेंक देंगे, तो वो उखाड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेट इट कम। और दूसरी बात यह है कि पहले तो आना ही नहीं चाहिए, टोल प्लाजा होना ही नहीं चाहिए, उखाड़ना शुड बी द सेकेंडरी लास्ट ऑप्शन। पहली बात तो है कि आना ही नहीं चाहिए, वो ना आए इसके लिए हमें काम करना चाहिए, इसके लिए हमें वहाँ बताना चाहिए। देखिए, UT में टोल प्लाजाज नहीं होते हैं, इंडिया में और भी UTs हैं, कभी UT में मैंने टोल प्लाजाज नहीं देखे। ये तो मतलब ये लास्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर हमारी इंडिया की, तो मतलब इसके आगे और कहाँ जाना है। तो ये नेशनल हाईवे वैसा वाला नहीं है जैसे बाकी स्टेट्स में है कि यहाँ से किसी और स्टेट में जाना है, सो इसके आगे तो पाकिस्तान ही है अब। और दिस इज़ समथिंग कि मतलब हम अपने रिश्तेदारों के घरों में जाने के लिए टोल दे रहे हैं, इधर से इधर, मतलब घर से ऑफिस जाने के लिए टोल देना है, सो दैट वे ये फिजिबल कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके साथ धोखा हो रहा है, धोखा इन द सेंस, अब मुझे लगता है कि लीडर्स को थोड़ा सा लॉ पढ़ना पड़ेगा ताकि जब कोई चीज़ आती है तो उस पर ज़रा ध्यान दें, और उनके पास थोड़े लॉजिक्स होने चाहिए कि वो क्यों नहीं आ रही और कैसे हटाना है उसको। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं हो सकती है, बस आपको थोड़ी सी थोड़ा फीडबैक सही देना है ऊपर, और अपने लोगों की बात करनी है, दैट्स इट। फीडबैक सही नहीं जा रही है, मतलब फिर ऑब्वियसली अगर नहीं जा रही तभी ये सब कुछ हो रहा है। जी हाँ मैम, फ्यूचर जो यूथ का फ्यूचर है उसके साथ कितना न्याय जो है वो अभी हो पा रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं हर तरह का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, कोई भी, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे SPO है, चाहे उसने अभी जॉब अभी करनी है, जो अभी पोस्टें निकली हैं उसके खिलाफ भी यूथ सड़कों पे है, या सोशल मीडिया के थ्रू जो है सामने आ रहा है, तो यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम मास प्रमोशंस की बात करें उसको लेकर सड़कों पे आ रहे हैं, तो इसका क्या मेन कारण है? इसमें रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ में सिर्फ सरकार नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल, वो कौन सा ज़माना रहा टेलीग्राम वाला, वो पोस्टमैन आकर एक चिट्ठी दूसरे उधर डिपार्टमेंट में देकर जाएगा, वहाँ देकर जाएगा। दिस इज़ डिजिटल इंडिया हो रहा है, और अभी आजकल एक ईमेल मैसेज ऐसे करके फ़ोन पे आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। आज भी अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो तो वो बोलता है अच्छा मार्क कर दिया, अब ये वहाँ जाएगा टेबल पे, दूसरे से तीसरे टेबल पे जाएगा। मतलब व्हाट काइंड ऑफ, आप कौन सी सेंचुरी में रह रहे हो कौन सी, मतलब कौन से युग की बात कर रहे हो आप, जब ये चिट्ठियाँ जाती थी वहाँ दूसरे टेबल पे तीसरे टेबल पे। अगर आपको करना है तो आप करो, नहीं करना है तो मत करो, से इट नो, ताकि वो किसी और टेबल पे जाकर अपनी बात रख सकें, किसी और प्लेटफॉर्म में जाकर अपनी बात रख सकें। देखिए, इंडिया में कोई भी लास्ट मैन नहीं है, बहुत लेवल्स होते हैं, आपको एक जगह से इनकार होता है, आप दूसरी जगह जाइए, तीसरी जगह जाइए, बहुत लेवल्स होते हैं, कोई भी आखिरी इंसान हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो तब हो सकता है ना जब आपको कोई एक बार इनकार कर दे कहीं पर। अगर आपको कोई रोज़ बोले कि हाँ जी ये अब यहाँ पर है वहाँ पर है, अब सालों साल लग जाते हैं, करेंगे करेंगे क्या करेंगे, अगर आपने बोला है तो आप करिए, आपने कल भी करना है तो आज भी करना है तो करिए, तो नहीं करना है तो ना कर दीजिए। तो बाकी ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की भी मतलब थोड़ी लापरवाहियाँ इसमें हम कह सकते हैं, कि अगर आप सेक्रेटरीट में जाकर देखें तो काम बस उन्हीं का होता है जिनके लिए कोई DO आ रहा है, जिनके लिए DO नहीं आता है उनका काम नहीं होता है, उनके लिए वो फाइल ऐसे ही है, मतलब खामा खा की फाइल है वो। तो ये अब उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा कि काम कैसे किया जाता है।
मैम, जम्मू के लोगों की अगर हम बात करें तो जब जम्मू के लोगों ने एक बदलाव करने की कोशिश की थी और जम्मू से जो है बीजेपी के 25 MLA भेजे थे, क्या वो 25 MLA कामयाब हुए हैं जम्मू के लोगों का दिल जीतने में या लोगों के हक में आवाज़ उठाने में? कामयाब हुए होते तो सरकार 6 साल चलती, और क्या कहूँ। तो पीडीपी के साथ गठबंधन था इस वजह से हुआ। वट एवर इट इज़, आप एक MLA भी, हमारे पहले 7 ही MLA थे बेचारे, तो वो भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पूरे इंडिया में सरकारें देखिए, कई बार एक्सट्रीम अपोजिट आइडियोलॉजीज़ की सरकारें भी, मतलब पार्टीज़ भी काम करती हैं एक साथ, गठबंधन होता है, बीच में नहीं टूट जाता है, और कोई भी किसी के साथ इतना, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि उनका दबाव था या इनको उनका दबाव था, कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता, डेमोक्रेसी है, यहाँ कौन किस पे दबाव डाल सकता है। आपकी इच्छा के बिना आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई दाखिल नहीं हो सकता, एक MLA के बगैर वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। और एक MLA क्या मांग की है आप बताइए हमने किसी से, और किसी ने हमें ना कर दिया है, इनकार किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाकी अगर कामयाब सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि खाली दबाव है, ये है, बस आपको अपनी बात रखनी तो है ना, आपको आवाज़ उठानी है, अपने लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, तो वो कहीं कहीं नहीं उठे होंगे। तो अब वट एवर द रीज़न वॉज, क्यों मतलब सरकार गिरी है, वो एक अलग इशू है, उसमें हमें अब क्या सिचुएशन देखते हैं अब, मतलब बीजेपी की जम्मू में? बीजेपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री में कोई परेशानी नहीं बार है। बार बार मैम मोदी के नाम पे तो वोट मिलेगा नहीं ना, कुछ कामों पे भी वोट मिलता है? नहीं, काम पे ही वोट मिलना चाहिए। मोदी जी के नाम पे मैं भी नहीं कहती किसी को खाली उनके नाम पर वोट दे दीजिए, काम पर ही वोट मिलना चाहिए, और दैट इज़ दी ओनली वे। मतलब सरकारें कैसे चलती हैं, हमें अपने देश के लिए देखना है, पहले नेशन होनी चाहिए, उसके बाद हम किसी और के बारे में सोचें। जम्मू के जो 25 MLA गए थे उन्होंने इतने काम किए हैं कि दोबारा वो आ सकें, असेंबली तक पहुँच सकें? देखिए, वो अब दोबारा आएंगे या कोई और आएगा ये तो आप वक्त आने पर पता चलेगा। बाकी ये लोगों को सोचना है, अपने जो भी आपके लीडर्स हैं जिनको आप चुनते हैं उनके ऊपर दबाव डालिए, उन्हें काम करने के लिए थोड़ी कहिए, वो आपसे हैं, आप उनसे नहीं हैं। लीडर जनता से होता है, जनता लीडर की वजह से नहीं होती है, राइट? जनता जिसे चाहे लीडर बना देगी, जिसे चाहेगी नीचे गिरा देगी। तो जनता को भी चाहिए कि सर पे ना चढ़ाए किसी को, काम करने के लिए उद्देश्य से अगर किसी को आप बिठाते हैं कुर्सी पर तो उन्हें काम करने की ही हिदायत दीजिए। सिचुएशन कैसी देखते हैं आप, मतलब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो जैसे 2014 में एक मोदी लहर चली थी, क्या उस तरह की लहर अभी भी आपको दिख रही है कहीं? देखिए, लहर सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे चलती है, उससे पहले लहर नहीं होती। तो जब चुनाव होंगे लहर के बारे में तब पता चलेगा। तो तब तक हमारा काम है कि हम मोदी जी का नाम डुबो ना दें, जो है अब बचा कुचा जम्मू कश्मीर में उसे थोड़ा और ऊपर अपराइज करने की कोशिश करें और नीचे ना गिराएं, क्योंकि अगर उनका नाम नीचे आया है तो सिर्फ हमारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी की वजह से, उनकी वजह से नहीं आया, ना ही भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से नहीं आया है। कुछ लोग हैं, उसकी आइडियोलॉजी में कोई खराबी नहीं है, खराबी है जो है वो सिर्फ लोकल आवाज़ में है। बिल्कुल मैम, आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता के लिए मैसेज सिर्फ इतना ही है कि अपने लीडर को थोड़ा कहिए जाकर कि काम करें, और जो आपकी आवाज़ है उसे उठाइए और आगे तक रखिए। आप काम हो या ना हो, दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, आपकी बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती, और मानी क्यों नहीं जाएगी, इट्स डेमोक्रेसी। और आपके लिए मतलब ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो जनता के विरुद्ध जाके कोई डिसीजंस लेती है, तो बस सुने कहिए कि काम कीजिए, आगे जाके हमारी बात रखिए, अगर नहीं रखते तो चेंज द लीडर, दैट्स इट। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बताई है मैम ने, शुक्रिया मैम हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अदिति शर्मा जी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर हैं और जिन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि जो लीडर आपकी बात सुनता है, मानता है, उसको सामने लाइए, जो नहीं मानता उसको साइड कर दीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ एयर इंडिया के अदरीस मोहम्मद के साथ।